तो भाई स्वागत है ड्रैग रेस में। तो ये मेरी बलिनो, ठीक है, और ये भाई ब्रेजा। इसमें तुम्हें मिलता है 103 BHP और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि इससे ज़्यादा है। इसमें तुम्हें मिलता है 83 BHP और 115 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क मिलता है। इसमें दोनों नेचुरल एस्पिरेटेड है, ठीक है। बाकी पंजा बनने के बाद पता लग जाएगा। वैसे तुम्हें सही बताओ तो मुझे लग रहा है कि ब्रेजा जीत जाइए, क्योंकि इस बाइक का लॉन्च बहुत तगड़ा है, ठीक है। बाकी बाइक कवर करने की कोशिश करेंगे अगर कवर हो जाए तो। बाकी इनिशियल में मैं अगर लॉन्च ठीक करूंगा तो आगे निकल सकती है। बाकी देखो पंजा बनने के बाद सारी चीज सच्चाई आ जाएगी। एसी ऑफ है ना, एसी ऑफ, ट्रैक्शन आता नहीं, ठीक है। शीशा चढ़ा लो, ठीक है, रेडी। बढ़िया भाई, बढ़िया, दोनों गाड़ी बढ़िया उठी है। ये गियर अटक जाता है भाई, अब नहीं पकड़ पाएगी, अब तो ले गई भाई। चलो ये राउंड दोबारा कर लेते हैं, वहीं से कर लेंगे भाई। तो भाई दूसरा राउंड है, सेम सेटिंग है, एसी दोनों का ऑफ है। चले भाई, 1 2 3। बढ़िया व्हील स्पिन अपनी बलिनो में। हाँ आपकी बात लगा, बढ़िया गियर। बढ़िया पकड़ रही है, कवर कर रही है ब्रेजा भाई अपनी 120। बढ़िया भाई, ज्यादा गैप नहीं है, पोनट पोनट का फर्क कह लो भाई। अब निकल रही है थोड़ी बलिनो भाई। भाई 140 ब्रेक ले लेते हैं भाई। भाई दूसरे राउंड की बात करोगे ना तो भाई बोनट बोनट का फर्क था अपना बलिनो कह लो, कि आधी इतनी सी आगे थी। बाकी ब्रेजा ने भाई बहुत अच्छा ट्रैक, मतलब बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा कवर कर रही थी। तो एक राउंड और करते हैं, ड्राइवर चेंज कर लेते हैं इसमें। तो भाई मैं अब ब्रेजा ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया लगा भाई दूसरा गियर, बराबर चल रही भाई अभी। ये निकलेगी भाई, लीड कर रही है भाई, अब निकल गई ब्रेजा, निकल गई ब्रेजा, निकल गई। एक बोनट का प्लस ये है भाई, 120 पे अपनी ब्रेजा पार, ब्रेक ले लेते हैं 140 पे। तो भाई इस राउंड की बात करें तो इनिशियल में बात करोगे तो बिल्कुल साथ साथ ही दोनों गाड़ी 70-80 तक। उसके बाद भाई अपनी ब्रेजा 100-110 पे क्रॉस कर दिया था भाई बलिनो को। उसके बाद 140 पे बलिनो गैप कवर कर रही थी, पर वो भाई आगे बाइक वाले भी तो घूमते हैं इस रोड पे, ये भी तो दुखी करे रखे हैं, इनकी वजह से ब्रेक लेने पड़ गए। ना तो 160-170 तक करके देखते फिर तो निकल जाती भाई अपनी बलिनो। इस राउंड में ऐसी ऑफ ही रखी, एक राउंड में तो ऑन कर ले, दोनों में ऑन कर लो इस बार, क्योंकि साथ साथ थी ना, तो दोनों में ऑन कर लो, दोनों दबेगी ना फिर ठीक रहेगा। उठी है ब्रेक ले लिया भाई, इतना गैप, बहुत गैप हो गया मेरे हिसाब से, गियर मिसमैच हो गए होंगे भाई से, और कोई रीजन नहीं हो सकता। ये भाई पांचवा राउंड, तो भाई चला रहे मेरी बलिनो और ये भाई अपनी ब्रेजा चला रहे। इस बार लॉन्च में रहेगी बट गलत इंडिकेशन से, अभी तो आ गया ये, बट यार टॉप एंड में कहीं ना कहीं देखो बीएचपी का फायदा मिल जाता है इसको, बट इस बार तो गैप बन गया। इस बार निकल गई, इस बार क्लियर विनर बलिनो है, इसमें तो भाई अपने बलिनो आ गया, देख सकते हो थोड़ा सा पीछे, थोड़ी सी पीछे है, बोनट टू बोनट ही है, अब नहीं आएगी तीसरा गियर थोड़ा सा, लेकिन अब भी भाई बोनट टू बोनट ही है, देख सकते हो अब नहीं आएगी, अब चलेगी भाई पीछे बिल्कुल, अब कोई मतलब ही नहीं। अब तो गियर भाई इतना बढ़िया लगे हैं सारे, 120 लोअर खींच लेते हैं भाई, तो भाई ने ब्रेक ही ले लिया, हम भी ले लेते हैं 140 पे लिया। तो भाई लास्ट विनर में तो भाई विनर तो फर्क पड़ जाए,
ही आ गए, बोनेट बोनेट का फर्क है भाई। ब्रेक मारो, ब्रेक मार लो। तो भाई इस बार विनर थी बलिनो। कर दिया तो स्टार्टिंग से एडवांटेज दे दी, थोड़ी सी पीछे कर ली हमने, एक दो तीन कर दो, थोड़ी पीछे, हाँ थोड़ा एडवांटेज दे देते, थोड़ी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा व्हील स्पिन हो गया, व्हील स्पिन ज्यादा हो गया इसमें भाई, पर अब भी जीत निकल गई भाई, निकल गई बलिनो, निकल गई। गियर अच्छे लग रहे हैं भाई बलिनो में, बना रही है भाई, साथ साथ ही अभी 100 तक साथ साथ है, अब निकल रही है थोड़ी थोड़ी, अब नहीं आ पाएगी, गई साथ ही है भाई, बिल्कुल साथ साथ चल रही है, बिल्कुल साथ साथ। 140 पे आ गए भाई, 140 पे आ गए भाई, बिल्कुल साथ, ब्रेक ले लेते हैं भाई, वरना तो ब्रेक मार लेते हैं। तो इनिशियल में आ गई थी पर कवर कर रही थी भाई, टॉप एंड में आ जाती, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है ब्रेजा की, बहुत बढ़िया है ना, एक हैचबैक से कंपेयर कर रहे हैं भाई हम, बट मेरे हिसाब से अगर ये डुअल जेट होता ना तो ये खा जाती, बस फर्क ये पड़ रहा है BS4 है और डुअल जेट नहीं है ये, ब्रेजा की परफॉर्मेंस भाई जबरदस्त। देखो अगर बात करें ब्रेजा और बलिनो के कंक्लूजन की, क्योंकि देखो मैं अपना कंक्लूजन देना तो भूल ही गया था जब एडिट करने बैठा, जब देखा यार ये तो मेरे हिसाब से देखो ड्रैग में तो तुम्हारी बलिनो ही विन रहेगी, कैसे कर लो, क्योंकि देखो अगर स्टार्टिंग में पीछे रहती है तो ये मिड में पुल करने लग जाती है, बाकी इसका थर्ड गियर ना स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, क्योंकि जब मैंने स्विफ्ट के साथ भी रेस लगाई थी तो ये तीसरे गियर में आगे जाती थी, तो मोस्टली इसका फर्स्ट गियर मुझे इतना पावरफुल नहीं लगता, सेकेंड भी ठीक है, बट थर्ड इसका थोड़ा लंबा और इसमें पुल अच्छा मारती है, तो मेरे हिसाब से छोटे ट्रैक कर लो या थोड़ी मिड तक भी खींचोगे तो मिड में भी ये देखा होगा तुमने आगे निकल रही थी, तो मेरे हिसाब से तो यही विनर रहती है।